मजबूरी है। तो वी आर डूइंग हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यस्टरडे यू हैव डन रिच पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। रिच पीजेंट्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन, पतिदास ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। Why they participated? Because they wanted to remit their revenue. Due to the years of depression, these people were not in condition to pay revenue. So they wanted to remit their revenue. They were on the view that Gandhiji would help to remit their revenue from the British. So when Gandhiji went to London to attend the second round table conference, he called back his civil disobedience movement and he did not consult with the rich peasants. So that's why when he relaunched this movement, when Gandhiji relaunched this movement, rich peasants lost their faith and they did not join this movement. Poor peasants, आपने ऐसे लिखना, पहले एक पैराग्राफ ऐसे लिख के रिच पीजेंट्स, फिर आपने रिच पीजेंट्स के बारे में सारा लिख देना, सारा रिच पीजेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करना, फिर आपने लिखना पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स के बारे में, क्योंकि आपको एक बात और, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में से आना है, बिकॉज जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दैट विल बी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स में इतने इतने डिटेल में नहीं उन्होंने पूछने, आपसे ये पूछ सकते हैं रोल ऑफ पीजेंट्स। तो आपको अबाउट रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स आपको खुद लिखना है शॉर्ट करके। पुअर पीजेंट्स में आप ये बताओगे कि दे वांटेड, दे हैड देयर फाइट विद रिच पीजेंट्स नॉट विद ब्रिटिश। दे वांटेड टू रिमिट देयर लैंड रेंट्स नॉट रेवेन्यू, रेंट्स माफ कराना चाहते थे। दे वर पेइंग रेंट्स टू रिच पीजेंट्स, तो दे हैड देयर फाइट विद रिच पीजेंट्स। But Congress had good relations with rich peasants. That's why poor peasants were ignored by the Congress. तो इस वजह से आप बताओगे rich peasants and poor peasants. Second topic है industrialist. How industrialist participated this movement? बहुत बार पेपर में आ चुका है ये। अगर ये फिर आता है आपको तो लिखना है industrialist, फिर आपको लिखना है workers. जैसे आप लिखोगे rich peasants, poor peasants, फिर आप लिखोगे industrialist, फिर आप लिखोगे workers. इंडस्ट्रियलिस्ट में आप बताओगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ दिस मूवमेंट। दे ज्वाइंड दिस मूवमेंट बिकॉज दे वांटेड टू गेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश इम्पोज, ब्रिटिश ने फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे बैन लगाया था। ब्रिटिश बैंड द फ्रीडम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Now these people, now these industrialists, they wanted to get freedom of trade. उनको था कि अगर हमें freedom of trade मिल जाएगी ना, तो उनको था कि गांधी जी would help them to get freedom of trade. That's why they joined this movement. तो गांधी जी जब लंदन गए, he did nothing for the industrialist. अब industrialist में से ना यहाँ पे इन्होंने कुछ federations बताई हुई हैं। For example, आप बताओगे के कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन्होंने बनाई थी 1920। इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, लर्न इट, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन विच ईयर 1920। फिर एफ आई सी सी आई जो बनी दैट वाज इन 1927। इसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछ लेते होते हैं, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI, कौन से ईयर में बनी? 1927। Indian Industrial Commercial Congress कब बनी? 1920। FICCI कब बनी? 1927। तो learn these। अब फिर आपको यहाँ पे industrialists के name भी पता होने चाहिए, which are given in the book, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास and G.D. बिरला। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी डी बिरला वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो इस वजह से आप बताओगे व्हेन गांधी जी वेंट लंदन ही डिड नथिंग, एंड व्हेन गांधी जी रीलॉन्च दिस मूवमेंट दिस पीपल लॉस्ट देयर फेथ एंड दे डिड नॉट ज्वाइन। अब हाउ टू राइट अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बताओगे इंडस्ट्रियलिस्ट वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ दिस मूवमेंट। दे ज्वाइंड दिस मूवमेंट बिकॉज दे वॉन्टेड द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश banned the freedom of trade, put restrictions on the freedom of trade.
Now, these people wanted freedom of trade. They were on the view that Gandhiji would help them to get freedom of trade. But when Gandhiji went to London, he did nothing for these people. इन्होंने 1920 में क्या बनाई थी, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, एंड इन 1927 FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI 1927 में बनी. तो When Gandhiji went to London, he did nothing for these people. So, second time, जब उन्होंने इस movement को launch किया, these people lost their faith and they don't join. अब आगे poor workers. Workers had their fight with industrialists, not with British. जैसे poor peasants की लड़ाई rich के साथ थी, same as workers had their fight with किसके साथ थी, industrialists के साथ, ना कि British के साथ. Because their wages were, इनके wages क्या थे, less, and working hours were more. तो workers चाहते थे कि हमारे wages बढ़ा दिए जाएं, working hours reduce किए जाएं. तो Congress के industrialists के साथ अच्छे relation थे, तो Congress ने कहीं ना कहीं workers को ignore किया, because workers की लड़ाई जो थी, that was with industrialists, not with British. तो सिर्फ एक रीजन में, नागपुर रीजन के वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया. दे वर सो अट्रैक्टेड बाय महात्मा गांधी दैट दे स्टार्टेड वेयरिंग गांधीयन कैप. सिर्फ वहां के वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, रेस्ट ऑफ द इंडिया वर्कर्स ने इस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया, बिकॉज दे वर ऑलवेज इग्नोर्ड बाय कांग्रेस. कांग्रेस ने उन्हें इग्नोर किया बिकॉज कांग्रेस हैड गुड रिलेशंस विद इंडस्ट्रियलिस्ट. तो सेम एज रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स. अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट पे लिखना है तो यू हैव टू राइट अबाउट वर्कर्स आल्सो. नेक्स्ट आ जाता है वुमेन, हाउ वुमेन पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट. तो आपको सॉल्ट मार्च के बारे में पता ही होगा, सरोजनी नायडू के बारे में भी आपने पढ़ा, तो आपने सारा इसमें लिख देना. अपने आप फ्रेम कर सकते हो वुमेन पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट, तो आपने कहना कि वुमेन जो थी ना, दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट. From the very beginning, Sarojini Naidu joined the Salt March. And on the way, women with their kids joined this march. फिर आपने कहना है कि when after this march, आपने कहना है Gandhi ji said that women had to do only household work. They are not fit for politics. That's why. No important position was given to Sarojini Naidu in the Congress. तभी उन्हें important position, किसी higher position उन्हें नहीं दी गई थी in the Congress, because गांधी जी के खुद के view थे women are not for politics, women had to do only household work. ये खुद के गांधी जी के views थे कि women politics में नहीं आनी चाहिए, उन्हें सिर्फ घर के काम करने चाहिए. तो इस वजह से तभी हम कहेंगे कि सरोजनी नायडू जिसने इतनी स्ट्रगल की, उसे कांग्रेस में कोई भी हाई पोजीशन नहीं मिली. तो वुमेन का भी क्या हुआ, पार्टिसिपेट किया भी और कोई हाई पोजीशन नहीं मिली. नेक्स्ट आप कहोगे हाई कास्ट हिंदूस, लो कास्ट हिंदूस. कांग्रेस जो थी ऑलवेज अफ्रेड फ्रॉम सनातनीज, सनातनीज हाई कास्ट हिंदू थे, तो कांग्रेस उनसे डरती होती थी एंड वाज डोमिनेटेड बाय देम. कांग्रेस वाज ऑलवेज अफ्रेड फ्रॉम, किससे डरती थी, सनातनीज. कौन थे सनातनीज, हाई कास्ट हिंदूज, एंड ऑलवेज डोमिनेटेड बाय देम. तो इस वजह से हम कहेंगे कि कांग्रेस ने जो लो कास्ट पीपल थे ना, उनके लिए कुछ भी नहीं किया. दैट्स व्हाई इट इग्नोर्ड लो कास्ट पीपल, क्योंकि कांग्रेस हाई कास्ट हिंदुओं से डरती थी और वो इसे डोमिनेट करते थे. दैट्स व्हाई डिड नथिंग फॉर लो कास्ट पीपल. इट वाज ओनली महात्मा गांधी फ्रॉम द कांग्रेस हु सेड स्वराज वुड नॉट कम टिल अनटचेबिलिटी वुड नॉट बी इलिमिनेटेड, कि उतनी देर हमें स्वराज नहीं मिलेगा जब तक अनटचेबिलिटी को इलिमिनेट नहीं किया जाएगा. गांधी जी गेव देम द नेम ऑफ हरिजन्स, गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन्स का नेम दिया. People of God, हरिजन का मतलब क्या है, पीपल ऑफ गॉड, हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स लोग, भगवान के बंदे. तो गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स.
एंड गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू द वर्क ऑफ बंगीज. बंगीज कौन होते थे? स्वीपर. तो गांधी जी इनके काम को इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, दैट्स वाई उन्होंने खुद टॉयलेट क्लीन किए, ताकि इन लोगों की भी इम्पोर्टेंस, इनके काम की भी इम्पोर्टेंस बने. तो गांधी जी ने ये कहा कि स्वराज नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होगी. उधर से हम कहेंगे बी आर अम्बेडकर, ही वॉज दलित लीडर. ही स्टार्टेड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930. तो बी आर अम्बेडकर तो वैसे भी दलित लीडर थे, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी स्टार्ट की थी 1930 में. तो बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी में हम कहेंगे देयर वर क्लैशेस बिटवीन बोथ द लीडर्स एट कहां पे हुए? लंदन में ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. देयर वर क्लैशेस. जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे ना, वहां पे बी आर अम्बेडकर भी थे. तो देयर वर क्लैशेस बिटवीन बोथ द लीडर्स. बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी में झगड़ा हुआ बिकॉज बी आर अम्बेडकर ने वहां पे मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट एंड गांधी जी वॉज अगेंस्ट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, वेयर एज लॉर्ड इरविन वॉज इन द फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो वहां पे इनके झगड़े हुए, देयर वर क्लैशेस एंड गांधी जी डिक्लेयर्ड फास्ट अनटू डेथ. तो वापस आए इंडिया, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ डिक्लेयर किया. बी आर अम्बेडकर हैड टू अग्री विद महात्मा गांधी. तो दोनों में एक पैक्ट साइन हुआ, जैसे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, सेम एज पूना पैक्ट. विच पैक्ट? पूना पैक्ट. किस किस में ये पूछते होते हैं पूना पैक्ट आप, क्योंकि उन्होंने 2 मार्क्स क्वेश्चन देने हैं, तो पूना पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं. पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर. कब हुआ साइन? सितंबर 1932. इंग्लैंड से जब आए तो पूना में ये दोनों मिले, कौन कौन? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर. और दोनों में एक पैक्ट साइन हुआ, पैक्ट जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, सेम एज पूना पैक्ट. एक समझौता हुआ दोनों में, उसमें सितंबर 1932 में हुआ. उस पैक्ट के अकॉर्डिंग अब क्या था, और जब पैक्ट होता है तो कोई शर्तें होंगी. तो गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा. बी आर अम्बेडकर को कहा गया कि सीट्स वुड बी रिजर्व आपके लिए, आप इन लोगों की सीट्स रिजर्व की जाएंगी इन गवर्नमेंट बॉडीज. लेटर दीज पीपल केम टू बी नोन एज SC एंड ST. तो वहां पे इनकी सीट्स रिजर्व कर दी, बट एक साथ में शर्त रखी कि दीज पीपल हैड टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट नॉट इन सेपरेट इलेक्टोरेट. अगर सेपरेट इलेक्टोरेट रहते इंडिया की डिविजन हो जानी थी. तो गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट वुड नॉट बी गिवन, दीज पीपल वुड, ये जो लोग हैं दे हैड टू वोट इन जनरल इलेक्टोरेट नॉट इन सेपरेट इलेक्टोरेट, बट सीट्स इनकी रिजर्व कर दी इन गवर्नमेंट बॉडीज. लेटर दीज पीपल केम टू बी नोन एज SC एंड ST. तो दिस इज अबाउट, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के पूना पैक्ट के बारे में, या हाउ पोलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली, इनके व्यूज क्यों नहीं मैच होते थे ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट. पॉलिटिकल लीडर्स कौन कौन आएंगे? एक तो महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखोगे, फिर आप महात्मा गांधी एंड कांग्रेस एंड मोहम्मद अली जीना के बारे में लिखोगे. कांग्रेस एंड मोहम्मद अली जीना, तो इनके बारे में पहला आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो यहाँ पे किन के बारे में लिखना फिर हमने? हाउ पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो कौन आएंगे यहाँ पे बताओ, कौन, किन के व्यूज मैच नहीं हो रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके? गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर. तो यहाँ पे सारा ये वाला आएगा कि दोनों कहाँ पे मिले? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. वहां पे बी आर अम्बेडकर ने क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट. तो गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया? फास्ट एंड टू डेथ. इंडिया आए, दोनों में एक पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट. उस पैक्ट में कौन सी मंथ में साइन हुआ? सितंबर 1932 में. उस पैक्ट में क्या डिसीजन लिया गया कि ये जो लोग है ना, दे हैड टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट नॉट इन सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट नहीं देंगे, कहते जनरल में वोट करो, बट सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर दीज पीपल इन गवर्नमेंट बॉडीज एंड लेटर दीज पीपल केम टू बी नोन एज SC एंड ST. तो ये थे डिफर, इनके व्यूज मैच नहीं हो रहे थे. फिर अब हम कहेंगे मुस्लिम्स. अभी हम कर रहे हैं वो पीपल पार्टिसिपेटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स.
पेपर में उन्होंने ऐसे नहीं पूछना राइट द रोल ऑफ रिच पीजेंट्स, राइट द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्स, नो, उन्होंने कहना हो पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट। तो आपको खुद सेपरेट करना है, बुक में तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप सेपरेट करके करोगे रिच पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट का इकट्ठा पैरा दिया हुआ है, आपको खुद सेपरेट करना है इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स, शॉर्ट करके लिखो कोई बात नहीं। जब इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में लिखना है तो FICCI पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ऐसे जो नेम बुक में मेंशन होते हैं ना, यू हैव टू राइट, उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि बच्चे ने अच्छी रीडिंग करके किया हुआ है काम। अंडरलाइन करते हैं ऐसी वाली जो नाम होते हैं। उसके बाद वुमेन, वुमेन का आपको सरोजनी नायडू अंडरलाइन कर दो जैसे आप, तो सॉल्ट मार्च अंडरलाइन कर दो कि वहां पे वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। फिर हाई कास्ट हिंदू सनातनीज वर्ड अंडरलाइन कर दो कि उनको लगे कि सच में बच्चे ने अच्छी रीडिंग की हुई है। फिर लो कास्ट हिंदू तो अभी मैंने बोला ही है कि कैसे क्या क्या किया कांग्रेस ने इनके साथ, कैसे गांधी जी ने कहा कि स्वराज नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी रिमूव नहीं होगी, तो कैसे कैसे BR अंबेडकर ने फाइट की इन लोगों के राइट्स के लिए। तो नेक्स्ट आगे मुस्लिम्स, हो मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड दिस मूवमेंट, एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पे आगे चैप्टर खत्म हो जाता है, हो मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ पे हम कहेंगे मुस्लिम्स इस मूवमेंट में नहीं आए थे, मुस्लिम्स वर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था। क्योंकि पहले 1920 तक रिलेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो थे ना, देवर गुड, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस में अच्छे रिलेशन थे टिल 1920, क्योंकि तभी तो उन्होंने एक मूवमेंट नहीं लॉन्च की थी मिलके, कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी मिलके बताना, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो वो शो करती है कि इनके रिलेशंस अच्छे थे क्योंकि तभी मिलके लॉन्च की ना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब वो मूवमेंट जब गांधी जी ने कॉल बैक की थी तो ही डिडंट कंसल्ट विद अली ब्रदर्स हु वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, तो इनसे कंसल्ट नहीं किया था। तो वैसे भी मुस्लिम्स जो थे हमेशा कहते होते थे कि कांग्रेस जो है ना इससे हिंदू महासभा डोमिनेट करती है, उनको लगता था कि हिंदू महासभा जो है ना दैट इज द कमेटी ऑफ हिंदू एंड ऑलवेज डोमिनेटेड कांग्रेस। उनको हमेशा लगता था कि हमें इस कंट्री में सेकंड नंबर पे रखा जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हमेशा हिंदू रहेंगे और हमें नंबर टू पे रखा जाएगा। क्योंकि वैसे भी जो इलेक्शंस हुए थे ना 1937 के, नॉट गिवन इन योर बुक, उन इलेक्शंस में कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 7 जीते थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को डर लगता था कि ये तो हर जगह कांग्रेस आई जा रही है तो हमें तो कहीं पे भी नहीं कंसिडर किया जा रहा। वो एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे वो कहते थे हमें उन एरियाज में पावर दे दो, वहां पे हमें पावरफुल बना दो, बट ये थी उनकी डिमांड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मुस्लिम्स जो थे दे वर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट, दे डिडंट ज्वाइन दिस मूवमेंट बिकॉज फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन केम अमंग देम। वो हमेशा सोचते थे कि कांग्रेस जो है दैट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा वाज द कमेटी ऑफ हिंदूज एंड इट वुड डू नथिंग फॉर देम। उनको हमेशा लगता था कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई। अब उन्होंने इस मूवमेंट में तो पार्ट ही नहीं लिया। मोहम्मद अली जीना डिमांडेड, अब जीना ने क्या कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, सेम एज BR अम्बेडकर, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट एंड जीना सेड दैट ही वुड गिव अप हिज डिमांड। उसने कहा मैं अपनी डिमांड छोड़ दूंगा इफ कांग्रेस उन्हें उन एरियाज में वेयर दे वर इन मेजोरिटी, उन्हें उन एरियाज में पावरफुल बना दे, उन एरियाज में उन्हें ऑटोनॉमी दे दे जहां पे वो मेजोरिटी में। तो एज द नेगोसिएशन वॉज गोइंग ऑन, अभी बातचीत चल रही थी, वन ऑफ द लीडर ऑफ हिंदू महासभा MR जयकर रिफ्यूज टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट। उसने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट तो छोड़ो, उसने कहा कि हम मुस्लिम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे, ही रिफ्यूज टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद मुस्लिम्स। उसने कहा चाहे आप अपनी डिमांड छोड़ो, चाहे आप अपनी पावरफुल जिन एरियाज में मेजोरिटी है वहां पे सीट्स मांगो, हम आपके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वी वुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद मुस्लिम्स। जब उसने ऐसी बात बोली तो मुस्लिम्स भड़क गए, जीना भड़क गए। तो मोहम्मद अली जीना ने कहा कि डिफिकल्ट टू लिव इन सेम नेशन, हम अब एक कंट्री में नहीं रहेंगे, तो दैट्स वाई ही डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड दैट इज पाकिस्तान। तो ये हुआ, इस वजह से इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान।
और फिर हम कहेंगे ड्रीम जिसके किसका ड्रीम था यूनाइटेड इंडिया का, गांधी जी का, दैट वाज शटर्ड, उनका ड्रीम टूट गया, गांधी जी वाज सैड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये है, तो मैंने बोला था पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख दोगे बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, देन जीना एंड कांग्रेस। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे कि मोहम्मद अली जीना ने क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। ही सेड दैट ही वुड गिव अप हिज डिमांड इफ देयर सीट्स वुड बी रिजर्व्ड इन द एरियाज वेयर दे वर इन मेजोरिटी। बट एम आर जयकर, लीडर ऑफ हिंदू महासभा, सेड दैट दे वुड नॉट डू, हिंदू महासभा जो है दैट वुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद मुस्लिम्स। तो ड्यू टू दिस रीजन जीना डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में से वन, अच्छा वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कोई बात नहीं उसको भी करते हैं। इस लेसन में से, ये तो क्वेश्चन बनाना है इसमें से, इस लेसन में से वन मार्क का मैप आना है, ठीक है, फोर मार्क का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आना है, फोर मार्क्स का सोर्स बेस्ड आना है। लिसन केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। लिसन स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, वन क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स, वन ऑफ थ्री मार्क्स, पांच हो गए, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फोर मार्क्स, वन मार्क का मैप। मीन्स बड़े बड़े क्वेश्चन अब इस चैप्टर में से नहीं है, इज इट क्लियर? आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसी लेसन में